मैरीना, आप देख रहे हैं विंद भारत। यह फिल्म नहीं, एक सच्चाई है। मैं इसके लिए फिल्म मेकर को बधाई देता हूं, साथ ही देश के प्रधानमंत्री को बधाई देता हूं, जिन्होंने धारा 370 और 35 से हटाकर बड़ा काम किया, जिनकी वजह से आज यह सच्चाई देखने को मिली है। कुछ लोगों का काम ही है विरोध करना। पाकिस्तान में कोई घटना होने पर दुख प्रकट करके कुछ लोगों को लगता है हमें कुछ वोट मिल जाएगा। क्रिकेट में भारत की हार और पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने वालों को यह देश कभी माफ नहीं करेगा। आज की सबसे चर्चित फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखने के बाद मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष की कुछ यूं प्रतिक्रिया थी। नहीं, इसको बतौर ऐसा मत मानिए कि फिल्म का लुत्फ उठाया, इसको ऐसा मानिए कि उस कश्मीर को सच्चाई को देखने का प्रयास किया गया जो अभी तक किसी ने दिखाया नहीं था। दिखाया क्या जाता था, गलत सरल तरीके से कुछ एक ये कह सकते हैं कि जो तथ्य नहीं था, जो वास्तविकता नहीं थी, उसको दिखाने का प्रयास किया जाता था। और ये सच्चाई सामने आई, इसलिए मैं फिल्म मेकर्स को और ख़ासतौर पर नरेंद्र मोदी जी को इस अवसर पर ख़ासतौर पर धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने 370 और 35 हटा दिया, जिसके कारण ये सच देखने को दुनिया को या देश को मिला, इसलिए उनको धन्यवाद करना चाहिए। कुछ लोग इसका विरोध करना काम ही है, क्योंकि उनको ये पछता नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के भीतर कोई घटना हो जाए, हम उसका समर्थन करेंगे तो हिंदुस्तान के कुछ लोगों का वोट मिल जाएगा। पर ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के होने वाले मैच में पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने वाले और हिंदुस्तान की जीत में मातम मनाने वालों को ये देश कभी माफ़ नहीं कर सकता।